नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और खास वीडियो में। शुरू में हम बात करेंगे यार पंजाब टीम के बारे में और इसके अलावा क्या बड़ी अपडेट्स आई आईपीएल को लेकर, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब टीम के बारे में कि ये कौन से चार खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी। हालांकि देखिए इस वीडियो में उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से एक खिलाड़ी की कन्फर्म हो चुकी है जगह कि वो हो सकता है पंजाब टीम के रिटेंशन का हिस्सा हो और उसे पंजाब की टीम रिटेन करेगी। जी हाँ, वो खिलाड़ी और कोई नहीं, सैम करन। आप सभी लोग को बता दें सैम करन आईपीएल 2025 में भी पंजाब टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और इसके अलावा देखिए तो उन्होंने आईपीएल 2024 में शानदार प्रदर्शन किया। इनफैक्ट साल 2024 ही उनके लिए अच्छा रहा है क्योंकि हाल ही में देखिए तो T20 ब्लास्ट में उन्होंने एक शतक लगाया। जी हाँ दोस्तों, 58 गेंदों पर सैम करन ने 102 रनों की पारी खेली जिसमें हम देखें तो 6 छक्के और 7 चौके लगाए और ये पारी ऐसे समय पर आई थी जहां उनकी टीम ऑलमोस्ट मुकाबला हार चुकी थी। जी हाँ, 23 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे सरे के और फिर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए सैम करन ने 58 गेंदों पे 102 रनों की पारी खेली। हैम्पशायर की टीम ये मुकाबला जीत रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे वो मुकाबला हार गई, लेकिन सैम करन ने एक अविश्वसनीय पारी खेलकर सभी को चौंका दिया। और यार उनसे लोग उम्मीद करते हैं कि वो 40-50 रन बना के देते, लेकिन यहाँ पर सैम करन ने शतक बना दिया। तो कहीं ना कहीं पंजाब टीम इनके फॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है आईपीएल 2025 में। और देखिए ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं तो किसी भी टीम के लिए एक बड़ा एसेट होंगे और ऐसे में पंजाब की टीम इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी क्योंकि T20 फॉर्मेट ही ऑलराउंडर खिलाड़ियों का है। आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो 4 ओवर गेंदबाजी करके दे और बल्लेबाजी में भी कुछ रन्स बना के दे और सैम करन उसमें एक बड़े एसेट हैं। कैमरन ग्रीन भी हैं, हालांकि आरसीबी की टीम क्या उन्हें रिटेन करेगी या रिलीज ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सैम करन के ऊपर लगभग आप लोग समझ लीजिए कि मोहर लगने वाली है। ये पहले रिटेन खिलाड़ी होने वाले हैं पंजाब टीम के, कुछ रिपोर्ट्स में भी इसका दावा किया गया है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने अपने रिपोर्ट में इस बात को बताया कि सैम करन पंजाब टीम के रिटेंशन का हिस्सा होंगे। हालांकि इसके अलावा आप सभी लोग को बता दें राहुल द्रविड़ और इसके अलावा युवराज सिंह को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि ये दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल में वापसी करेंगे। हालांकि खेलते हुए नजर नहीं आएंगे लेकिन एज अ कोच हम सभी को दिखेंगे। राहुल द्रविड़ की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स में इनकी वापसी होगी और हेड कोच का पद संभालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखिए तो राहुल द्रविड़ अब भारतीय टीम के हेड कोच नहीं रहे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। एक विश्व विजेता चैंपियन टीम के कोच हैं, ऐसे में सभी टीमें इनके ऊपर नजरें गड़ाई रखी हैं। और आप सभी लोग को बता दें दिल्ली कैपिटल्स के पास भी कोच नहीं है, रिकी पॉन्टिंग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। गौतम गंभीर कोलकाता को छोड़कर भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं, तो ऐसे में सभी टीमें राहुल द्रविड़ के पीछे जा सकती हैं, अप्रोच कर सकती हैं इनको। और दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो वो है गुजरात टाइटंस, इनको लेकर अपडेट आ रही है कि गुजरात टाइटंस को विक्रम सोलंकी और आशीष नेहरा आईपीएल 2025 में छोड़ सकते हैं। ऐसे में हम देखिए तो इनको भी एक हेड कोच की जरूरत होगी। हालांकि यहां पर अपडेट कुछ अलग ही है, यहां पर राहुल द्रविड़ नहीं बल्कि युवराज सिंह को लेकर बताया जा रहा है कि गुजरात टाइटंस के अगले हेड कोच हो सकते हैं आशीष नेहरा के जाने के बाद, या तो इन्हें सपोर्टिंग स्टाफ में शामिल किया जा सकता है। बाकी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।